ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ये फूल खिल गया है। मतलब हमारे क्वार्टर में आने के बाद ये पहली बार खिला हुआ। पहले जब हम लेके आए थे तो दो फूल खुद से खिला हुआ था। दिविशा अभी अपना फेवरेट बिस्कुट खा रही है। खा बेटी, देवी खा खा। और अभी रात हो गया है, संतोषी अभी रोटी बनाएगी। शिवम पढ़ के जस्ट उठा है और अपना कार्टून देख रहा है। A few moments later. और इधर संतोषी बात कर रही है। किससे बात कर रही है जरा देखिए? माँ जी टू यानी कि अपनी सासू माँ से बात कर रही है। और रोटी बन गया क्या? वीडियो बना रहा है। किससे बात कर रही है संतोषी? तो उधर देखना होगा बाबू को, नहीं तो गिर जाएगा। देखिए ये बिछावन का क्या हाल है। अगर किसी के घर में बच्चा है कि नहीं है बिछावन से ही पता चलेगा। और अभी बालकोनी से मेरा रात का थोड़ा व्यू देख लीजिए। सो ये तुलसी जी और ये वाला पौधा। और इस पौधा को अभी तक हम नहीं लगाया है क्योंकि अभी तक पानी नहीं सूखा है। दो दिन से हम सोच रहे मिट्टी लाएंगे, लेकिन रोज़ रात को बारिश हो जा रहा है ज़ोरदार, तो हम मिट्टी नहीं ला पा रहे। लेकिन 2 hours later जस्ट अभी हम अपना रात का खाना ख़त्म करके उठे हैं और अभी 8:30 बज रहा है। एक घंटा के बाद हमको अपना नाइट ड्यूटी निकलना है। आज फर्स्ट नाइट है, उसके बाद फिर कल एक और नाइट होगा, उसके बाद फिर मेरा शेड्यूल रेस्ट होगा। तो अभी हम इस वाले दूसरे वाले घर में, जिस घर में पूजा घर है, वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उस घर में टीवी चल रहा है और कुछ वीडियो भी बनाना है, तो इसलिए इस घर में हम आकर के वीडियो बना रहे हैं। खुशती खुशती आ गई दोनों भाई बहन। दिविशा, ओ दिशा अपना नाम लेती है, क्या ले रही है तुम? शिवम अभी हम ड्यूटी जाएंगे, ठीक है? तो तुम क्या करेगा घर में? देखिए क्या डब्बा निकाल लेते हो? क्या चीज? अभी दो रोटी नहीं खाए हैं। नहीं खाया हो? अब बाद में खाएंगे। कब खाओगे? रात तो हो गया। आज मम्मी दो रोटी नहीं बनाया है। दूध रोटी नहीं बनाया मम्मी? दूध रोटी नहीं बनाई है तुम शिवम के लिए? संतोषी हां बनाएंगे, बिस्किट खाया था ना तो पानी पिया था, अभी खाएगा नहीं, दाल खिलाएंगे उसको। संतोषी अभी मेरा बैग पैक कर रही है ड्यूटी के लिए। पानी दे दिया है, चादर भी दे दिया है वहाँ पे इमरजेंसी के लिए। Tomorrow. बस अब ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया, बाहर आया है थोड़ा सा। ये देखिए मेरा जो कल हम तेल लगाए थे पूरा चिपकू चिपकू हो गया, तो जाकर के शैम्पू कर लेंगे। ये जी 7 बज गया है, मेरा ड्यूटी भी ख़त्म, तो अब बैग उठाते हैं चलते हैं घर। तो चलिए हम ऑफिस से घर आ गया है और अभी बाबू लोग सो रहा है और ये पानी जो है रात में रख देती है संतोषी, तो इसको ही हम अपने पौधों में दे देंगे। इसमें संतोषी देगी जब पूजा करेगी, तो बाकी इसको उतना पानी का ज़रूरत नहीं। ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ये फूल खिल गया है। मतलब हमारे क्वार्टर में आने के बाद ये पहली बार खिला हुआ। पहले जब हम लेके आए थे तो दो फूल खुद से खिला हुआ था, ये दो जो है कली था, तो यहाँ पे देखिए एक फूल खिल चुका है। कितना अच्छा लग रहा है। और एक यहाँ पे है कली, ये कल खिल जाएगा। उठ गया है, क्या कर रहा है बेटा तुम? मॉर्निंग वॉक कर रहा है। और कितना चक्कर मारेगा? हो गया। थक गया? कितने चक्कर मारा, गिना तुम? अच्छा तुम्हारा ताकत हो गया? सारा हो गया। अच्छा और दिविशा? दिविशा नहीं उठा है। अभी नहीं उठा है? अभी सो के है। तो हो गया, थक गया। अब मुंह धो लो। मुंह नहीं धोएगा? दिविशा उठ गई है सो करके और उसके हाथ में बिस्कुट दिए है। वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, बिस्कुट खा के चुप हो गई। दिवी दिवी मम्मी कहाँ? तुम खा रहे हो?
क्या खा रहे हो? पराठा। और क्या देख रहे हो तुम? मोटू पतलू। अच्छा, इसके बाद पढ़ाई करना है ना। मेरा नाश्ता हो गया है, अब निकलते हैं मार्केट और कुछ सामान वगैरह जो भी लाना है, सब्जी वगैरह लेके आते हैं। A few moments later, हम मार्केट से आए हैं और शिवम सीधा झोला खोज रहा है कि क्या है। तो किंडर जॉय नहीं मिला बेटा, वो मिला, देखो तो वो लिखा है। देखो क्या है, क्रिस्पी लो। खा के देखना। आज सीजन का पहला आम लाए हैं हम, और इसका आम का नाम है हिमसागर, जो कि मीठा तो गिर गया। तो मीठा बहुत होता है, पता नहीं मीठा होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं टेस्ट करके। एक टेस्ट कराओ तो हमको भी संतोष जी। हाँ ठीक। देखो मीठा हम लग रहा है कि नहीं होगा मीठा, ऐसे हिमसागर तो मीठा होता है। मैंगो आ गया है, जरा देखे टेस्ट करके कैसा है। ठीक है, अच्छा है, खट्टा नहीं है लेकिन उतना मीठा भी नहीं है। एक तुम खा के देखो कैसा है। ठीक है ना? ठीक है, उतना मीठा भी नहीं है, मतलब अभी तो शुरुआत ही है हमका। यहाँ पे हम नया चप्पल लाए हैं तो बहुत खुश है। तो इसका आकार का चप्पल हमको मिल ही नहीं रहा था, बहुत खोजने के बाद हमको मिला। तो वहाँ बालकोनी में संतोषी दोनों बच्चे को नहला रही है, एक का नहाना हो गया, शिवम का नहाना हो गया है और दिविशा अपनी बारी का इंतजार कर रही है। क्या बना दिया मधुआ? क्या क्या बना दिया? क्यों क्यों गुस्सा है? नहीं कूदेगा तो पलंग टूट जाएगा, फिर सोएगा कैसे? नंगू पैंट पहनो। आ गए हैं और मेरे दोनों बच्चे भी नहा करके तैयार हो चुके हैं। दिविशा और शिवम दोनों तैयार हो चुके हैं। और दिविशा क्या कर रही है? दिविशा खा रही है ये हॉर्लिक्स, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो अब खाएंगे सीधा खाना, और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। देखिए पर्दा भी उड़ रहा है कि हवा से, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। पंखा रात से ही नहीं चल रहा है और पंखा में गंदा भी बहुत हो गया है, तो रात से नहीं चल रहा है पंखा, क्योंकि ठंडी है बहुत। 3 hours later, यहाँ पे शाम की चाय की तैयारी चल रही है, चाय बैठ चुका है और हम जस्ट अभी सो के उठे हैं, क्योंकि हम नाइट ड्यूटी गए थे तो सोना ज़रूरी था। आज रात को फिर से हमको नाइट ड्यूटी जाना है। शिवम यहाँ पढ़ने बैठा है लेकिन वो टाइम पास कर रहा, लिख ही नहीं रहा सही से। क्या हुआ शिवम, क्यों नहीं लिख रहा है तुम? तुमको मम्मी आज रुलाया है? क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ, किस लिए रुलाया तुमको? तो मदमाशी किया होगा ना। और अभी संतोषी रात के खाने की तैयारी कर रही है, रोटी बन रहा है और दिन में जो सब्जी था वही खाएंगे, और साथ में जो हम आम लेके आए थे आम खाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।